वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आप BHU BCom MCom का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोर्स है, पहला कोर्स है आपका प्रीमियम टेस्ट सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, टोटल BHU BCom MCom का सेपरेट 10 प्लस टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस PDF नोट होंगे, प्लस आपका 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। सेकेंड है आपका हमारा स्टडी मटेरियल। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं, हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए है 199 का कोर्स है स्टडी मटेरियल के नाम से, जो कि आपको BHU BCom का अलग और BHU MCom का अलग 199 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। थर्ड आपका है, जो ओनली चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ MCQ मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए 2500 प्लस MCQ बंडल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर की। थर्ड है, जो कि ये सब कुछ जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको बस कोई डेली बेसिस पे डाउट क्लियर कराता रहे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा वन टेस्ट सीरीज, प्लस आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज मिलेंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लिए, या फिर सेकेंड है आपका हमारी एक वेबसाइट है www.commercenation.in पे जाके वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी कोर्स स्टूडेंट लॉगिन में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट करेंगे, हम सब कुछ आपको बताएंगे, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट नंबर आपका है 9455, नंबर आप लिख लीजिए 9455-231-327, और आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 70 वाला, तो इससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। सो फ्रेंड्स, मैं देवाशीष बीकॉम एमकॉम पास फ्रॉम BHU एंड नेट क्वालिफाइड, आज आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं फिर से, जिसका नाम क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये बीकॉम फ्रेंड्स एज वेल एज एमकॉम फ्रेंड्स सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंज्यूमर सरप्लस। देखिए, हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं टॉपिक को ही कवर किया है और उन्हीं चीज़ों के बारे में ही कंज्यूमर सरप्लस में बात किया है, ठीक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं या आने वाले होंगे। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस हम लोगों को कंसेप्ट पढ़ना है, और इसमें से रिलेटेड अगर किसी ने कोई थ्योरी दिया है कंज्यूमर सरप्लस के बारे में या कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, तो हम लोग को इतना ही देखना है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस का मतलब। सरप्लस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बात करिए प्रॉफिट, ठीक है, फायदा। सरप्लस मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट, फायदे के बारे में। अब कंज्यूमर का सरप्लस मतलब कंज्यूमर को फायदा, तो कंज्यूमर को सरप्लस कब होगा फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई एक सामान खरीदने, ठीक है, मान लेते हैं कि आप जा रहे हो एक कोई बुक खरीदने इकोनॉमिक्स का, और उसका दाम सपोज आप सोच के जा रहे हो कि वो 400 का बुक मिलेगा। अब आप मार्केट में गए उस बुक को खरीदने, तो सपोज वो बुक आपको कितने में मिल गया, 300। तो ये देखिए क्या हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे, कि आप उसके लिए 400 पे करने के लिए रेडी थे। आप घर से 400 रुपए लेके जाते हो शॉप में, और आपको लगता है कि उस बुक का जो एक एस्टिमेटेड प्राइस होगा 400 होगा, और 400 हम पे करने के लिए रेडी भी है, ठीक है। तो मींस कंज्यूमर एक्चुअली पे कितने के लिए रेडी है पे करने के लिए, 400 रुपए। और जब आप दुकान में जाते हो तो आपको कितने का बुक मिल जा रहा है, 300 में। तो ये 100 रुपीज क्या हो जा रहा है, आपको फायदा हो जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस, मतलब जितना एक कंज्यूमर रेडी होता है पे करने के लिए, और जब उसको उससे कम पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है, उसको कहते हैं, उस बीच के जो डिफरेंस आता है उसी को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस मीन्स द प्राइस विच द कंज्यूमर इज रेडी टू पे इन द मार्केट एंड द प्राइस विच ही इज एक्चुअली पे इन द मार्केट, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं।
कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वॉज फॉर्मुलेटेड बाय ड्यूपिट ने दिया है 1844 को, ठीक है, इन हिज पेपर ऑन द मेजरमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स। इस पेपर में, इस इनका एक जर्नल था ये, इसमें उन्होंने ये दिया था कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस वेराइज विद द चेंज इन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जैसा चेंज होगा वैसा हमारा, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि 400 का बुक था और 300 में मिल गया। सपोज मार्केट प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया तो हमको 100 का उधर, पहले पहले बार में कितना कंज्यूमर सरप्लस हो गया हमको 100 का। सेकेंड टाइम मान लेते हैं कि फिर कभी कभी वो मार्केट प्राइस के हिसाब से कंज्यूमर सरप्लस भी आपका वैरी करेगा। सपोज वही बुक आपको 120, मतलब 120 कम में मिल गया, 280, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस 120 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से मान लेते हैं कभी कभी कि आपको वो बुक 350 का भी मिल सकता है, तो उस केस में मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा, 50 का। वही बात कह रहा है कि चेंज इन मार्केट प्राइस के हिसाब से चेंज करता है कंज्यूमर सरप्लस। देखिए वही मैंने बताया यहाँ पर भी, प्राइस विच कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड प्राइस विच इज एक्चुअली पेड, ठीक है, बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। इसका एक और भी डेफिनेट मतलब होता है, टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। एक एग्जांपल लेके मैंने समझाने का कोशिश किया है फ्रेंड्स, होप सो आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिया है यूनिट ऑफ एप्पल, 5 यूनिट ऑफ एप्पल खरीद रहा है, ठीक है, ड्राइव यूटिलिटी और विच कंज्यूमर इज रेडी टू पे। सपोज आप पहले यूनिट को खरीदने जा रहे हो एप्पल को, तो आप 7 रुपये पे करने के लिए रेडी हो। सेकेंड टाइम में आप 5 रुपये, फोर्थ टाइम में 4 रुपये, थर्ड टाइम में 4 रुपये, फोर्थ टाइम में 2 रुपये आप पे करने के लिए रेडी हो, फिफ्थ टाइम में 1 रुपये, ठीक है। उसी तरीके से देखिए प्राइस पर एप्पल और प्राइस विच कंज्यूमर एक्चुअली पे, और एक्चुअली आपको पे के मतलब आपको पहली बार इतना भूख लगा है कि आप एक एप्पल के लिए 7 रुपये तक पे करने के लिए रेडी हो, लेकिन मार्केट में प्राइस उसका क्या है, मान लेते 1 रुपये, तो आप 7 रुपये पे करने के लिए रेडी हो। देखिए वही फॉर्मूला फिर से हम लोग लेते, प्राइस विच कंज्यूमर रेडी टू पे, कंज्यूमर इज रेडी टू पे 7 रुपये, क्योंकि उसको भूख ज्यादा लगा हुआ है। एंड व्हाट कंज्यूमर एक्चुअली पे इन द मार्केट, 1 रुपये, तो बीच का डिफरेंस 6 रुपये, इट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। सेकेंड, दूसरे बार थोड़ा सा पेट भर गया तो हम 5 रुपये देंगे यार, और मार्केट में अभी भी दाम इसका 1 रुपये है। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट प्राइस लिया है फ्रेंड्स, आप लोग चाहे तो इसको भी वेरी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 5 रुपये, तो 1 रुपये दाम है, तो इस केस में देखिए मार्केट प्राइस के हिसाब से वेरी कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था 4 रुपये सरप्लस मिला, तीसरे बार मेरा पेट और थोड़ा सा भर गया तो हम 4 रुपये अब देंगे थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने के लिए, प्राइस अभी भी 1 ही रुपये है, तो इस हिसाब से मेरा कंज्यूमर सरप्लस 3 रुपये आ गया। सेकेंड फोर्थ टाइम में लगभग पेट अब भरने को आ रहा है, भर गया समझ लीजिए, तो 2 रुपये अब हम पे करेंगे और 1 रुपये अभी भी प्राइस है, तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस 1 रुपये है। फिफ्थ टाइम मेरा पेट ऑलरेडी भर चुका है, अब हम चाह रहे थोड़ा सा सेविंग कर ले एक आग एप्पल लेके, कि आपको आगे अगर भूख लगे तो आप अब एक एप्पल के लिए पे करने के लिए कितना रेडी हो, 1 ही रुपये आप पे करने के लिए रेडी हो, क्योंकि आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, पेट ऑलरेडी आपका भर चुका है, तो 1 रुपये आप पे करने के लिए रेडी भी हो और 1 रुपये ही मार्केट में प्राइस है, तो कोई सरप्लस नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही देखिए टोटल आपका आ रहा है 19, यहाँ पे ये क्या आ रहा है, कंज्यूमर विच इज रेडी टू पे टोटल 19, और क्या आप एक्चुअली पेड कर रहे हो, टोटल कंज्यूमर सरप्लस कितना आ गया, 5, ये सॉरी फ्रेंड्स ये 5 रुपये एक्चुअली पे है टोटल पे, और टोटल कंज्यूमर सरप्लस 14 रुपीज आ गया। मैंने ग्राफ को लेके आपको समझाने का कोशिश किया है फ्रेंड्स, देखिए ये कंज्यूमर सरप्लस का, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये जो बॉर्डर एरिया है, ठीक है, शेडेड एरिया, ये आपका क्या शो कर रहा है, कंज्यूमर सरप्लस। ये एक हॉरिजेंटल लाइन मैंने बनाया, देखिए प्राइस जो है वो फिक्स है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेज पे कंज्यूमर क्या कर रहा है, देखिए 1 यूनिट को कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है और उसके लिए फ्रेंड्स देखिए 7 रुपये तक वो पे कर रहा है, ठीक है। मान लिया जा रहा है कि उसको 7 के बराबर ही, जितना वो रुपी पेड कर रहा है उसी के बराबर उसको यूटिलिटी भी ड्राइव हो रहा है। यहाँ पे रुपीज को ही यूटिलिटी के टर्म में लिखा हुआ है, तो पहले यूनिट में उसको 7 रुपये का यूटिलिटी ड्राइव हो रहा है, दूसरा यूनिट जब कंज्यूम कर रहा है तो उसको 5 रुपये का यूटिलिटी ड्राइव हो रहा है, तीसरे में उसको 4 रुपये का, चौथे में 2 रुपये का,
और फिफ्थ में उसको कोई भी सरप्लस नहीं डिराइव हो रहा है, जितना मार्केट में प्राइस है उतना ही वो पे करने के लिए रेडी भी है। तो ये है कंज्यूमर सरप्लस। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक और कंज्यूमर सरप्लस का डायग्राम देख लीजिए आप लोग। तो ये देखिए, ये प्राइस कर्व है, ठीक है, इसी प्राइस पे ये इतना क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है। अब ये जो गैप है, ठीक है ना, मींस एरिया अबव द प्राइस, एरिया अबव द प्राइस लाइन, ठीक है, ये क्या है आपका कंज्यूमर सरप्लस। एरिया अंडर डिमांड कर्व एंड अबव मार्केट प्राइस, एरिया अंडर द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के अंदर वाला एरिया और साथ साथ जो प्राइस कर्व के ऊपर वाला जो एरिया, इतना हिस्सा जितना देखिए हम शेड बना रहे हैं अभी आपके सामने, ठीक है ना, इतना एरिया क्या है, कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस प्राइस इलास्टिसिटी फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंज्यूमर सरप्लस प्राइस इलास्टिसिटी, व्हेन डिमांड फॉर गुड्स परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पे होगा डिमांड का वो गुड्स जिसका डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, तो कंज्यूमर सरप्लस वहाँ पे जीरो हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स ये सब, ठीक है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, तो कंज्यूमर सरप्लस वहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद व्हेन डिमांड इज लेस इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक, देन कंज्यूमर सरप्लस इज हाई और ग्रेटर पोटेंशियल कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है फ्रेंड्स, लेस इलास्टिक वाले जगह पे या जहां पे रिलेटिवली इन इलास्टिक है तो कंज्यूमर सरप्लस वहां हाई रहेगा। कंज्यूमर सरप्लस इज हाई इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स आवश्यकता वाले चीजें, फॉर एग्जांपल मेडिसिन, जितना भी दाम बढ़ जाए भाई, अगर वो मेडिसिन, एक पर्टिकुलर मेडिसिन आपको जरूरत है तो आप लोगे ही, चाहे उसका जितना भी दाम बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली नेसेसिटीज गुड से मेडिसिन है तो बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, मेरे एक्सपेक्टेशन से बढ़कर वो महंगा नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स, रिडक्शन इन प्राइस जनरली ब्रिंग फॉल इन कंज्यूमर सरप्लस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेस्टिजियस गुड्स में आपका जो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस गिरता जाएगा जब प्राइस कम होता है। नॉर्मली जब प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होता है, लेकिन प्रेस्टिजियस गुड्स में इसका रिवर्स कंडीशन फॉलो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कॉमर्स नेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग उन तक पहुंचाइए, अपने उन फ्रेंड्स तक पहुंचाइए जो लोग अभी भी रिसोर्स के कमी के कारण अपनी तैयारी को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू। आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के हेल्प से, हमारे कॉमर्स नेशन के ऐप को डाउनलोड करके, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करके आप लोग टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।